नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बुजुर्गों में सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स हमें यहाँ देखने को मिलती हैं, उनके घुटनों में हमेशा दर्द बना रहता है, चलने फिरने में उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, उनकी कोहनियों में हमेशा दर्द बना रहता है, ज्वाइंट पेन की समस्या उनमें काफी समय से हमें देखने को मिलती है, लाइफस्टाइल चेंज होने के कारण यंग एज में भी यह प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 6 ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारी देने वाला हूं जिसका क्लिनिकल प्रैक्टिस में काफी अच्छे रिजल्ट्स इसके हमें देखने को मिले हैं, तो वह मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों, मेन प्रॉब्लम्स यहां पे आती है, कुछ मेडिसिन में आपको ज्यादा बताऊंगा ताकि आप मेडिसिन का सिलेक्शन करके, पोटेंशी का सिलेक्शन करके, आप मेडिसिन को यूज करके अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो बात आती है पोटेंशी का सिलेक्शन, मेडिसिन का रिपीटेशन और वेलमार्क यूनिट सिस्टम, जब तक आपकी बेलमार्क यूनिट सिम्टम आपके लक्षण से मैच नहीं करेंगी तब तक आपको आराम आने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो आप जो मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूं वह सिम्टम आपके शरीर से मैच होने चाहिए। साथ ही साथ बायोकेमिक मेडिसिन के बारे में जानकारी दूंगा, साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में एक सिरप के बारे में आपको जानकारी दूंगा। यदि आप इस सिरप का कंटिन्यू यूज करते हैं तो चाहे आपको किसी भी तरह का ज्वाइंट पेन की प्रॉब्लम हो वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। कई बार आपने देखा होगा गाउट के कारण भी यह प्रॉब्लम्स हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस के कारण प्रॉब्लम्स हो जाती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण आपको प्रॉब्लम्स हो जाती है, या कभी आपको इंजरी हुई है उसके कारण आपको प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो वह धीरे धीरे करके पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट मेडिसिन की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, किसी बीमारी से लंबे समय से आप सफर कर रहे हैं उससे रिलेटेड यदि आप मेडिसिन जानना चाहते हैं तो रात्रि 9 बजे आप हमारी लाइव क्लिनिक ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें ज्वाइंट पेन की बारे में, घुटनों के दर्द की प्रॉब्लम्स के बारे में, दोस्तों यह बहुत ही आज के समय कॉमन प्रॉब्लम्स हो गई है, यह हर एक घर में एक ना एक पेशेंट्स आपको देखने को मिलेगा ही। यदि हम बात करें यहाँ किन कारणों की वजह से हो जाता है तो कई कारणों की वजह से यह प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। एग्जाम्पल पे ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण यह प्रॉब्लम्स हमें पेशेंटों में देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों इंजरी, यदि आपको कभी चोट लगी है, जवानी में कभी चोट लगी है तो यह बुजुर्ग में, यदि ओल्ड एज में हम जैसे ही जानते हैं तो यह दर्द की प्रॉब्लम हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। दोस्तों, नेक्स्ट आता है गाउट की प्रॉब्लम्स, यदि आपको गठिया बाव की प्रॉब्लम्स है तो आपको दर्द की प्रॉब्लम्स हमेशा देखने को मिलती है। यदि आपको विटामिन डी की कमी हो गई है, यदि विटामिन डी की कमी के कारण ज्वाइंट पेन हमेशा दर्द करते रहते हैं और यह महिलाओं में विटामिन डी की कमी सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों कैल्शियम की कमी, कैल्शियम की कमी के कारण भी आपको ज्वाइंट पेन की समस्या देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों एनीमिया, खून की कमी के कारण भी आपको यह प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। जब भी आप कभी भी ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं, एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेने जाते हैं तो कैल्शियम का सप्लीमेंट दिया जाता है, विटामिन डी का सप्लीमेंट दिया जाता है, कॉल्सिफेरॉल्स आपको दी जाती है, साथ ही साथ न्यूरोपैन के इंजेक्शन आपको प्रोवाइड की जाते हैं। कैल्सिफेरॉल क्या होता है, कैल्सिफेरॉल की जानकारी मैं आपको दूं तो उसमें जो हमारे घुटने जो होते हैं, मैं यहाँ पिक्चर लगा देता हूँ आप देख लीजिए, जो घुटने होते हैं उसमें ऑयल कम होने लगता है और ऑयल कम होने के कारण घुटनों में रगड़ पड़ने लगती है जिसमें कटकट का साउंड भी आने लगता है और ज्वाइंट पेन्स में हमेशा दर्द बना रहता है, तो उसमें कैल्सिफेरॉल का सप्लीमेंट्स दिया जाता है। और जो होम्योपैथिक में आपको मेडिसिन में बताने वाला हूँ वो बहुत ही इफेक्टिव है और काफी लंबे समय से यदि आप इस मेडिसिन का यूज करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। और कैल्सिफेरॉल, ये जो हमारा ज्वाइंट है उसमें ऑयल किस तरह से होम्योपैथिक में बढ़ाया जाता है, यह भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। चलिए अब समझ लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज करके हम इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, यदि एलोपैथिक मेडिसिन की बात करें तो जब तक एलोपैथिक मेडिसिन का हम सप्लीमेंट लेते रहते हैं तब तक हमें आराम रहता है। रही बात होम्योपैथिक की, तो होम्योपैथिक से यदि पेशेंट्स को ट्रीटमेंट किया जाए तो पूरी तरह से पेशेंट्स का जो दर्द होता है वह ठीक हो जाता है, कोई भी किसी भी तरह के इसके कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करेंगे सबसे पहली मेडिसिन आती है दोस्तों काली आयोड। काली आयोड बहुत ही अच्छा काम करती है, यहाँ उन पेशेंटों में अच्छा काम करती है जिनके ज्वाइंट में स्वेलिंग आ जाती है। आपने देखा होगा ज्वाइंट में सूजन आ जाती है, ठंडी के मौसम में एग्रावेशन देखने को मिलता है
और जैसा ही ठंड यदि कोल्ड प्लेस में गए हैं तो वहां भी आपको दर्द देखने को मिलता है, जो घुटना होता है, जो हमारा ज्वाइंट होता है वहां सूज जाता है, और जैसे ही रात में बेड में बिस्तर में पेशेंट सोने जाता है तो तकलीफ उनकी बढ़ जाती है। तो उसमें काली आयोड मेडिसिन का यूज किया जाता है। काली आयोड में पेशेंट जैसे ही हल्का हल्का चलता है तो उसमें हल्का हल्का दर्द बना रहता है, सूजन वहां पे दर्द आपको देखने को मिलती है। ब्रायोनिया और काली आयोड के सिम्टम्स हल्के से मैच करते हैं, पर दोनों में डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। जो ब्रायोनिया मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा उसमें डिफरेंस आप समझ सकते हैं। तो काली आयोड आप यूज करिए 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को। कंटिन्यू कम से कम इस मेडिसिन का यूज 1.5 से 2 महीने तक कंटिन्यू यदि आप करते हैं तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। यदि फिर आपको कभी ऐसा लगता है कि दर्द की प्रॉब्लम आपको हो रही है तो फिर से आप 30 पोटेंसी को रिपीटेशन कर सकते हैं। बाकी यह प्रॉब्लम आपकी 1 या 2 महीने के अंदर ही प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। साथ में जो कॉम्बिनेशन बताऊंगा कंटिन्यू करना है, साथ में जो सिरप बताऊंगा उसे कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों रेस्टॉक्स। रेस्टॉक्स जस्ट अपोजिट ब्रायोनिया के होती है। रेस्टॉक्स का लक्षण हमें क्या देखने को मिलता है, पेशेंट्स में घुटनों में हमेशा दर्द बना रहता है। जैसे ही सुबह बिस्तर से पेशेंट सो के उठता है, कंटिन्यू पैदल चलना चालू करता है तो घुटनों में हमेशा दर्द उनके बना रहता है। कंटिन्यू दर्द होगा फिर विल भी कंटिन्यू चलने रखते हैं। यदि रगड़ पड़ती है घुटनों में, चलने से गर्म हो जाते हैं घुटने, तो उनका जो दर्द होता है वह धीरे धीरे करके कम हो जाता है। तो उसमें रेस्टॉक्स मेडिसिन यूज की जाती है। जब भी आप रेस्टॉक्स मेडिसिन यूज करें तो 200 पोटेंसी में रेगुलर कम से कम 15 दिन तक 1 महीने तक यूज करें। इसके बाद हल्की फुल्की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है तो एक सिंगल डोज आप ले सकते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों जस्ट अपोजिट रेस्टॉक्स से ब्रायोनिया। ब्रायोनिया में हमें यह लक्षण देखने को मिलता है, पेशेंट्स सिटिंग पोजीशन में बैठा रहता है तो पेशेंट्स को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, थोड़ा बहुत हिलता डुलता है तो पेशेंट्स को प्रॉब्लम होने लगती है। पेशेंट हमेशा आखिर यह कंप्लेंस करता है, सर मैं सिटिंग पोजीशन में बैठा रहता हूं, बिस्तर में लेटा रहता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, पर चलता फिरता रहता हूं तो मुझे घुटनों में हमेशा दर्द बना रहता है, या थोड़ा हिलने डुलने से भी मेरी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। पर कोल्ड से एग्रावेशन इसमें देखने को नहीं मिलता है, और जिस साइड दर्द हो रहा है उसी साइड पोजीशन में लेटने से मुझे रिलीफ मिलता है। तब पेशेंट्स को हमें ब्रायोनिया अल्वा 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को पेशेंट्स को दी जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों कॉस्टिकम। कॉस्टिकम इतना अच्छा काम करती है जैसे कैल्सिफ्रोल्स। मैंने आपको शुरू में ही समझाया था कि कैल्सिफ्रोल्स यानी कि घुटनों में जो ऑयल होता है, कैल्सिफ्रोल सप्लीमेंट के रूप में दिया जाता है, जो घुटने में ऑयल होता है वह कैल्सिफ्रोल जो एक सप्लीमेंट है जिसमें विटामिन D3 भी पाया जाता है। तो ये हमारा जो घुटना है जिसमें ऑयल कम हो गया है, जो कटकट की आवाज आ रही है, तो कॉस्टिकम उसे कवर करके चलता है। क्योंकि एक घुटना जो हमारी टीबिया बोन होती है, टीबिया फिबुला जो बैन होती है, और नी का जो ज्वाइंट होता है उसमें जो रगड़ पड़ती है उसे कम करता है। तो कॉस्टिकम जब रगड़ पड़ती है वहां पे दर्द हमेशा बना रहता है, कोल्ड से एग्रावेशन हो जाता है, बारिश के समय भी एग्रावेशन हो जाता है, तो कॉस्टिकम उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को कंटिन्यू कम से कम 1 से 2 महीने तक इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों कैल्केरिया फॉस। कैल्केरिया फॉस सप्लीमेंट के रूप में यूज किया जाता है। यदि हमारी बोन बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है, वहां पे ऑयल वगैरह कम हो गया है, तो कैल्केरिया फॉस उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। इसे हम पोटेंसी के फॉर्म में यूज नहीं करेंगे, इसे हम ट्राइचुरेशन के फॉर्म में यूज करेंगे। 12x पोटेंसी में जो कंटिन्यू यूज करना हम चालू करेंगे तो 1 साल तक इसे कंटिन्यू लेते रहेंगे। क्योंकि यदि कैल्शियम की भी हमारे शरीर में कमी हो गई है तो भावी पूर्ति हो जाएगी। यदि आपकी बोन्स जो है बहुत ज्यादा वीक हो गई है, एनीमिया की आपको शिकायत हो गई, तो वह भी कंप्लीटली क्योर हो जाएगी। क्योंकि कैल्केरिया फॉस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि यहां मैं उतनी ज्यादा तारीफ तो कर नहीं रहा हूं, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, इतनी इफेक्टिव मेडिसिन है। तो कैल्केरिया फॉस 12x में यूज करेंगे, 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर में, 4 गोली रात में, मीठी गोली है चूस के खाएंगे तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों पल्सेटिला। पल्सेटिला बहुत ही अच्छा काम करती है, दर्द की कंडीशन में बहुत ही अच्छा काम करती है। जब पेशेंट खुली ठंडी हवा में घूमता है तो पेशेंट को कोई शिकायत नहीं आती, और गर्म प्लेस में जाता है तो पेशेंट्स की जो है तकलीफ बढ़ जाती है। यह विपरीत लक्षण हमें पल्सेटिला में देखने को मिलता है। जब भी पेशेंट को कभी दर्द की प्रॉब्लम होती है तो पेशेंट गर्म प्लेस में जाता है तो उसकी तकलीफ ठीक हो जाती है, पर यहां हमें लक्षण उल्टा देखने को मिलता है पल्सेटिला में। तो पल्सेटिला आप मेडिसिन का सिलेक्शन करके पेशेंट्स को दे सकते हैं। इसमें पेशेंट्स की जो प्यास होती है बहुत ही ज्यादा कम होती है, और पेशेंट्स को कोल्ड से आराम आता है और गर्म प्लेस में जाने से तकलीफ बढ़ जाती है, तो पल्सेटिला का यूज किया जाता है 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन ज्यादा कर रहा हूं, क्योंकि घुटने की दर्द से काफी लोग सफर करते रहते हैं,
और जब तक मेडिसिन का सिलेक्शन, पोटेंसी का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, आपकी सूटेबल मेडिसिन आपको नहीं मिल पाएगी, तब तक आपको आराम बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो वीडियो 5 मिनट और थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो वीडियो को आप आगे तक दीजिए, देखिए, ताकि आप अच्छी तरह से समझ सके। तो हमारी मेडिसिन चल रही थी पल्सेटर। नेक्स्ट मेडिसिन आती है आर्निका। आर्निका बहुत ही अच्छा काम करती है, या स्पेशली यहाँ उन पेशेंटों में अच्छा काम करती है जिनको न्यूरोल्जिया की कंडीशन होती है, जिन पेशेंटों को घुटनों में दर्द होता है, गर्म कपड़े से सीखने में आराम आता है, उनकी जो मसल्स होती है उनमें दर्द होता है तो उनमें उसमें आराम आता है, कोई भी ऑयल वगैरह लगाने से पेशेंट्स को आराम आता है, तो उस कंडीशन में पेशेंट्स को आर्निका 30 पोटेंसी में यूज की जाती है। यदि 30 पोटेंसी में पेशेंट्स को आराम ना आए तो सीधे 1 mg पोटेंसी का 3 डोज दिया जाता है, रेगुलर 3 डोज कंटिन्यू दिए जाते हैं, इसके बाद मेडिसिन को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट लक्षण हमें आर्निका का वहां देखने को मिलता है, यदि पेशेंट्स की पुरानी हिस्ट्री कभी चोट वगैरह लगी है, या साइकिल से गिर गए हैं, या बाइक से गिर गए हैं, या कभी फुटबॉल खेलते समय गिर गए हैं, तो उसमें आर्निका मेडिसिन यूज की जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों लीडमपाल। लीडमपाल बहुत ही अच्छा काम करती है, चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, चाहे रूमेटाइड आर्थराइटिस हो, चाहे गाउट की प्रॉब्लम्स हो। इसका यहाँ लक्षण हमें देखने को मिलता है जो बहुत ज्यादा बियर पीते हैं, दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, शराब का सेवन तो आजकल नॉर्मल चलन में आ गया है, जब भी पार्टी शार्टी में जाते हैं एक गिलास तो जरूरी पीते हैं, तो उनमें यहाँ लक्षण हमें देखने को मिलता है। पेशेंट्स को ठंडा, यानी कि ठंडा पानी जब वहां अपने ज्वाइंट में डालते हैं तो पेशेंट्स को आराम महसूस होता है, और गर्म प्लेस में जाते हैं तो तकलीफ बढ़ जाती है। स्पेशली यह लक्षण और एनदर मेडिसिन में देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता है। जब उन्हें घुटनों और ज्वाइंट में दर्द होता है तो वहां जो ठंडा पानी अपने ज्वाइंट में डालते हैं, या फिर जो बर्फ के टुकड़े होते हैं उसमें पानी में डालकर, टप में डालकर अपने ज्वाइंट को सेकते हैं, जैसे हम गर्म कपड़े से सेकते हैं, पेशेंट ठंडे कपड़े में सेकता है, और यह लक्षण सिर्फ ओनली फॉर शराबियों में हमें देखने को मिलता है, तो उसमें लीडमपाल यूज की जाती है, क्योंकि ब्लड यूरिया भी बढ़ा होता है, यूरिक एसिड भी उसमें बढ़ा होता है, इसलिए लीडमपाल उसमें यूज की जाती है। या बारिश में भीग गए हैं तब भी आप लीडमपाल यूज कर सकते हैं। लीडमपाल 30 पोटेंसी में यूज की जाती है, 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को, कंटिन्यू कम से कम 3 महीने तक इस मेडिसिन का यूज किया जाता है, तो जो दर्द की कंडीशन होती है पेशेंट्स की पूरी तरह से ठीक हो जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों मैकफॉस। मैकफॉस आती है उन न्यूरोलॉजी के केस में अच्छा काम करती है जो पिंडलियां होती है, पिंडलियां में दर्द बना रहता है, घुटने को सेखा जाता है तो आराम आता है, दबाने से आराम आता है, कोहनियों में दर्द होता है, शोल्डर में दर्द होता है, दबाने से आराम आता है। रात में आपने देखा होगा दादाजी जो हमारे यहाँ सो जाते हैं और उन्हें गर्म कपड़े, सॉरी जो उनके नाती होते हैं वहां पैर को दबाते हैं तो उन्हें रिलीफ आता है, तो उसमें मैकफॉस का यूज किया जाता है। हिंदी में समझा रहा हूं, यदि 30 पोटेंसी में यूज किया जाता है, 4 बूंद सुबह 4 बूंद शाम को, इस मेडिसिन का यूज कंटिन्यू 2 महीने तक किया जाता है। यह एक तरह का बायोकेमिक साल्ट होता है, जिस तरह से इंजेक्शन मेथाइल कोवालामाइन और निकोटामाइड, ब्रांड का नाम तो यहाँ नहीं ले रहा हूँ, वो इंजेक्शन जो ताकत के होते हैं लगाया जाता है तो जो दर्द होते हैं वह कम हो जाते हैं, इसी तरह से होम्योपैथिक में मैकफॉस का यूज किया जाता है 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को। इस मेडिसिन का यूज 3 महीने तक करते हैं जो दर्द की प्रॉब्लम होती है पूरी तरह से ठीक हो जाती है। एक लास्ट फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, वह सिर्फ ओनली फॉर जिनको चोट लगी है, चोट की हिस्ट्री हुई, वही मेडिसिन यूज करेंगे। हाइपेरिकम 30, सिम्फाइटम 30, रूटा 30 और आर्निका 30, ये 30 पोटेंसी में बराबर मात्रा में मिला लेना है, 4 बूंद सुबह 4 बूंद शाम को इस मेडिसिन का यूज सेवन आपको ओनली फॉर 1 महीने तक करना है, आपकी जो प्रॉब्लम्स है वह ठीक हो जाएगी। कभी दर्द हल्का फुल्का उठता है तो फिर से आप रिपीटेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों रूटा। रूटा उस केस में अच्छा काम करती है जब हड्डियों में अंदर से दर्द बना रहता है, कोल्ड में जाते हैं पेशेंट्स की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, जब एक हड्डी या दूसरी हड्डियों से रगड़ पड़ती है और आपस में वहां उसमें रगड़ पड़ती है तो हड्डियां जो है अंदर से दर्द करती है, जो अंदर से दर्द होता है, जिनको दर्द होता है वही उस फीलिंग को पहचान सकते हैं, तो अंदर से दर्द होता है तो रूटा उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। रूटा हमेशा 200 पोटेंसी में रेगुलर कम से कम इस मेडिसिन का यूज 1 महीने तक करना चाहिए, 1 महीने के बाद इस मेडिसिन का रिपीटेशन आपको बंद कर देना चाहिए। तो नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों बायोकेमिक मेडिसिन है, मैं एक पिक्चर लगा देता हूं आप देख लीजिए, यह बायोकेमिक मेडिसिन है, इसका यूज बायोकेमिक मेडिसिन ज्वाइंट पेन में यूज किया जाता है, इसका नाम है दोस्तों बायो कॉम्बिनेशन नंबर 19, यहां देख लीजिए, 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर में, 4 गोली रात में, कंटिन्यू कम से कम इस मेडिसिन का सेवन आपको 8 से 10 महीने तक करना है। यह पूरे सप्लीमेंट्स के रूप में यहां मेडिसिन है, 4 प्रकार के बायोकेमिक साल्ट मिलाए गए हैं, यदि इसका सेवन करते हैं तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट मेडिसिन दोस्तों सारफ। सारफ है दोस्तों ऑर्थोमूव, यहां मैं पिक्चर लगा देता हूं, जब बिग ज्वाइंट में बहुत ज्यादा दर्द होता है,
बड़े ज्वाइंट में हमेशा दर्द बना रहता है तो ऑर्थोमूव सिरप का यूज किया जाता है। ये SBL कंपनी की आती है, खाना खाने के आधा घंटे पहले या आधा घंटे बाद इस सिरप का आप यूज कर सकते हैं। दिन में 3 बार आपको यूज करना है, 10 ml सुबह, 10 ml दोपहर में, 10 ml रात में। ठीक है, नेक्स्ट सिरप आती है दोस्तों, मैं इस साइड पिक्चर लगा देता हूँ। यह आती है हाइमोसा सिरप। जब मसल्स में बहुत ज्यादा दर्द बना रहता है, जो मसल्स मैंने आपको बताया था, पिंडलियों को दबाया जाता है, गर्म कपड़े से सेका जाता है, तब आपको आराम देखने को मिलता है, तब हाइमोसा सिरप का यूज किया जाता है। मैंने दोनों में डिफरेंस बता दिया है। जब ज्वाइंट पेन में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, दर्द हो रहा है, बिग ज्वाइंट में ज्यादा दर्द हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही है, तब ऑर्थोमूव सिरप का यूज किया जाता है। जब स्मॉल ज्वाइंट में दर्द हो रहा है, गर्म सेक से आराम आ रहा है, मसल्स में दर्द हो रहा है, शरीर अंदर से टूटा जा रहा है, तब हाइमोसा सिरप यूज की जाती है। तो दोनों में डिफरेंस बता दिया है, जो आपको यूज करना है, आप लक्षण मैच करके मेडिसिन यूज कर सकते हैं। यदि आपको काफी लंबे समय से आप दर्द की कंडीशन से परेशान है, ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे पूरी जानकारी दी गई है। इसके लिए मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं, आप हमसे भी ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, यह वीडियो अपने फैमिली मेंबर्स में ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कर सकते हैं, ताकि वह वीडियो देखकर मेडिसिन को यूज करके अपनी प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। क्योंकि आज के समय में ज्वाइंट पेन की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हमें देखने को मिल रही है, और पेन किलर के साइड इफेक्ट्स होते हैं, और होम्योपैथी के कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, तो आप अपने परिवार को भी साइड इफेक्ट से बचा सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।